हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में। कूलिंग सिस्टम इंजन को अपने टेम्परेचर पे मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है। और ये किस प्रकार इंजन को मेंटेन टेम्परेचर पर रखता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कूलिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम तो आपने बाइक के इंजन में देखा होगा, उसमें फिन्स बने होते हैं, वही एयर कूलिंग का काम करते हैं। और दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम, जिसमें पानी के द्वारा इसको कूल किया जाता है। वाटर कूलिंग सिस्टम तीन प्रकार का होता है। नंबर वन, थर्मोसाइपन सिस्टम। इसमें कूलेंट इंजन से सीधा रेटर में आता है और रेटर से सीधा इंजन में जाता है। दूसरा सिस्टम है इम्पेलर थर्मोसाइपन सिस्टम। इसमें एक्स्ट्रा से हम एक फैन लगा देते हैं, जिससे यह जल्दी कूलेंट को ठंडा करता है। और तीसरा है पंप सर्कुलेशन सिस्टम, जो कि अधिकतर गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा, और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इस सिस्टम में चार मेन पार्ट होते हैं, रेडिएटर, पंप, इंजन वाटर जैकेट और थर्मोस्टेट वाल्व। अब ये कैसे काम करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब गाड़ी स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होने के साथ ही पंप भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि कूलेंट को इंजन के वाटर जैकेट में भेजता है। और क्योंकि इसमें पंप का प्रेशर लगा हुआ है, तो ये आगे की तरफ मूव करता है और इंजन से घूमता हुआ हीट होने लगता है। इसके आगे जाते ही थर्मोस्टेट वाल्व लगा रहता है, लेकिन थर्मोस्टेट वाल्व 77 डिग्री के ऊंचे तापमान पर ही खुलता है। और इंजन के कुछ स्टार्टिंग टाइम में यह इतना टेम्परेचर नहीं होता है कि थर्मोस्टेट का वाल्व खुल जाए, तो ये बाईपास होते हुए पंप में चला जाता है और पंप इसे दोबारा इंजन में भेजता है, जब तक कि यह कूलेंट 77 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो जाए। जैसे ही ये टेम्परेचर 77 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और ये सारा गर्म कूलेंट रेडिएटर के अपर टैंक में चला जाता है। रेडिएटर के अपर टैंक में आने के बाद यह धीरे धीरे रेडिएटर के लोअर टैंक में आता है, और आते आते यह ठंडा होने लगता है, क्योंकि साथ में इसके फैन लगा रहता है, जो कि इसे तेजी से ठंडा करता है। और जब लोअर टैंक में यह कूलेंट आ जाता है, तो पंप इसे दोबारा सर्कुलेशन में भेजता है, तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक रेटर रिजर्वायर भी लगा रहता है, जो कि इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जब कूलेंट बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसमें प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इस प्रेशर को कम करने के लिए रेडिएटर रिजर्वायर टैंक लगाया जाता है। जब रेडिएटर में कूलेंट कम हो जाता है, तो वो यहाँ से कूलेंट ले लेता है और इंजन को हीट होने से बचाता है। और जब रेडिएटर में ज़्यादा कूलेंट हो जाता है, तो वो इस कूलेंट को इस टैंक में भेज देता है, तो यह काम होता है इस रेडिएटर रिजर्वायर टैंक का। और जो गाड़ियों में हीटर लगा रहता है, वो भी इसी इंजन के कूलेंट के गर्म होने पर ही हमें हीट देता है, क्योंकि वो इसी से जुड़ा रहता है। जब इंजन गर्म होगा, तभी हमें गाड़ी के अंदर हीटर भी गर्म हवा देगा, क्योंकि अगर कूलेंट ही ठंडा है, तो वो हमें हवा भी ठंडी देगा। रेडिएटर के मुख्य भाग अपर टैंक, लोअर टैंक और रेडिएटर कोर, और इसमें एक रेडिएटर कैप भी होती है, और साथ ही साथ नीचे इसकी सफाई करने के लिए ड्रेन टैप भी होता है। रेडिएटर कोर दो प्रकार की होती है, ट्यूबलर टाइप कोर और सेलुलर टाइप या हनीकॉम टाइप कोर। थर्मोस्टेट वाल्व भी दो प्रकार के होते हैं, बेलोज टाइप और पैलेट टाइप। तो दोस्तों, वाटर कूलिंग सिस्टम में हम वाटर का यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ हम कूलेंट को भी मिलाते हैं। कूलेंट को क्यों मिलाते हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि सर्दियों के मौसम में तापमान इतना ठंडा होता है कि वो वाटर को जमा देता है। अगर ये वाटर इंजन में जम गया, तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, और इसी की वजह से हम कूलेंट का यूज करते हैं। क्योंकि कूलेंट में एंटी फ्रीज गुण होते हैं। अब ये एंटी फ्रीज क्या है, आइए जानते हैं इसे भी। कूलेंट को जमने से रोकने के लिए इसमें कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। इन एडिटिव्स के मिलाने से इनका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से यह कम टेम्परेचर पर भी नहीं जमते हैं। किसी कूलेंट के ठंडे टेम्परेचर पर भी न जमने के गुण को एंटी फ्रीज कहते हैं। एंटी फ्रीज एडिटिव्स जैसे कि ग्लिसरील, दूसरा एथिलीन ग्लाइकॉल, ये दो एडिटिव्स हैं जो कि एंटी फ्रीज का काम करते हैं।
जो भी हम गाड़ियों में कूलेंट मिलाते हैं उसमें 70% कूलेंट और 30% मिनरल वाटर रहता है। तो दोस्तों, जब भी गाड़ी रनिंग कंडीशन में होती है या काफ़ी देर से चल रही होती है तो उस समय उसका रेडिएटर कैप नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उस समय कूलेंट इतना गर्म हो चुका होता है और उसमें इतना प्रेशर होता है कि वो हमें हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए जब भी रेडिएटर कैप को खोलें उस समय गाड़ी बंद हो और ठंडी हो, यानी उसका इंजन ठंडा हो। तो दोस्तों, आज हमने जाना वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, आगे भी हम एसी कूलिंग सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो वीडियो भी सबसे पहले मिले। क्योंकि दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी दिन लगते हैं और अगर आपका लाइक सब्सक्राइबर हमें मिलता रहेगा तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करेगा। हम मिलेंगे आपको फिर बेहतरीन वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय।